इसका कारण इस भूमि ने इस जम्मू द्वीप इस भारत भूमि के महान विचारों का विचारधारा का महापुरुष का जन्म दिया। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और सर्वोपरि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका विचार हरा आज देश में प्रचार और प्रसार हो रहा है और हमारा सारी का कार्यकर्ता इसको लेके गांव गांव तक जाने का एक संकल्प बनाया। इसके लिए मैं इस भूमि को नमन करता हूँ और नमन करता हूँ मैं उस बंगाल भूमि को जिधर मेरा जन्म हुआ, जिधर हरिचंद गुरुचंद ठाकुर, मुकुंद बिहारी मल्लिक और महाप्राण जगन्नाथ मंडल सारी का महापुरुष को जन्म हुआ और उस पूर्व साइड से और इस पश्चिम को जोड़ने के लिए महान कार्य महाप्राण जगन्नाथ मंडल ने किया और उस विचारों को आज देश भर में हमारा संगठन और हमारा एक्टिविस्ट लोग के लोग लेके चल रहा है। इसके लिए मैं आप लोग सबको नमन करता हूँ कि आप इतना तकलीफ उठा के हमारा इस प्रोग्राम में आप आए। ऑल डिपार्टमेंट ऑल संगठन हमें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ कि ऑल डिपार्टमेंट कास्टम सेंट्रल एक्साइज इंडियन रेलवे इनकम टैक्स हमारा बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के ये बॉम्बे में आपने म्यूनिसपाली और दूसरा संगठन का लोग आज इधर उपस्थित हुए हैं। मैं 42 ईयर बॉम्बे में मेरा हुआ है लेकिन मैं जिससे हरवी साहब ने आपको तो थोड़ा जिक्र किया है लेकिन मेरा जीवन और से और भी कठिन है जिसको मैं आप लोगों को सामने करना कितना सकता हूँ और भारवे साहब ने भी जो हमारे नज़दीक के रहा इसलिए उन्होंने बहुत कुछ जानते हैं कि बहुत कुछ हम आपके सामने नहीं रख सकते। इतना कठिन परिस्थिति मेरा पास ना पैंट था ना शर्ट था ना जामा था ना कुछ था ना पढ़ने के लिए एक नोटबुक था। उसी जगह से मैं आके आज आप लोगों के सामने एक विचारधारा इसने मकसद में तय किया विचारा को लेके मैं जाने का संकल्प और मेरा जीवन का नाश करने के लिए काम करते और इस बुद्ध भूमि हमारे शहर के इस भूमि में जीते हुए मानता हूँ आने वाला समय में देश में जो हमें प्रतिनिधि का लेख चालू है इसमें कोई डर नहीं है। हम सब मिलके आज घर से हम कुछ संकल्प करते कि हम हर आदमी अपना ड्यूटी का बाद का बाद कम से कम एवरी डे 2 घंटा तो आप समाज के दीजिएगा और आदमी को बच जाइए। जो आदमी नेगेटिव है हमारा लेकिन वो आदमी का पास टाइम वाली ट्रेन है ऐसा आदमी को पास आप 2 घंटे टाइम दीजिए तो आदमी आपके पास जरूर आपको साथ मेरा अनुभव है। इसीलिए मैं इधर से स्टेज से मैं बोलना चाहता हूँ आज के हमारा मिस्टर सपन कुमार दरबारी जी हमारे जॉइंट कमिश्नर दिवाकर मंडल साहब ऐसा बहुत इसी मंडल जी और भी हमारा बहुत सा बड़ा जी साइंटिस्ट इधर आए थे और कंट्रोल में मेरा
करने के बड़े साहब जो 3 साल 4 साल कम से कम कलकत्ते में रह चुका है, जो कलकत्ता का उन्होंने ये बताया, उनको आदमी लोग 50% बंगाली बोलते हैं कि ये बंगाली है, महाराष्ट्र नहीं है। और हमारा सुमधन राम साहब ने हमेशा ऐसा आदमी को कैसे शुक्र गुजारूँ, उनको हमेशा उतना बड़ा पोजिशन में है तो भी हम गया तो कभी मेरे को रुकना नहीं पड़ता है। हाँ ऐसे ही मेरा धैर्य जाना और अपने को 2 मिनट का बात करते हैं, यही तो मेरा काम। और इसीलिए डॉक्टर साहब तो हम एक साथ काम करते हैं, उनसे काम करते हैं। तो मैं ये जो 3, 4, 5, 6 बहुत हमारा आइडिया नंबर साहब है रामदेवी जी, और भी बहुत सारे लोग हैं, नाम नहीं ले सकता, ऐसे लोगों को मेरा आज एक आपसे एक विनती है, ठीक है। आने वाला समय में हम ये चाहते हैं कि मेरा जो तजुर्बा है सिर्फ मैं ये बोल रहा हूँ, आप सब एक साथ एक स्टेज पे एक नया कोरोना का साथ हम इस बॉम्बे, इस महाराष्ट्र और देश भर में हम ऐसा प्रोग्राम करें और उसको साथ संयोजन करके मेरे से जैसे होगा, और उसको साथ मैं एक नाम लेना चाहता हूँ, जो रियली मिशनरी का कार्य करता है, जैसे हमारा इसके बिरुआ विजय कामले दामदेड़ी जी, प्रमोद सालवी, हमारा संजय शोमकोर, एले चौहान, ऐसा मिशनरी वर्कर नहीं बहुत काम देता है। संगठन में बहुत उतरा चढ़ाव आया विचारों का बहुत, लेकिन विचार तो हमारे एक है ना, ये विचार को लेके मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ सर आप लोगों को, हाँ हम आने वाला समय में एक साथ एक जगह में ऐसा कार्यकर्ता को लेके हम काम करेंगे, ऐसा हमारा एक विनती है। आप लोग आए इसीलिए आज आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या हम हमें जरिका सुरक्षा ही रखा नहीं, जो हरिणा का बंदोबस्त किया, आप लोग सब बिना करते ही आएंगे, ऐसे ही मेरी विनती है।